और क्या कहना चाहेंगे दिव्य आश्रम के लिए, क्या मैसेज रहेगा और क्या कार्यक्रम होने वाला है उसको? मैं दिव्य लोक आश्रम सुधांशु जी महाराज द्वारा निर्मित किया गया है दिव्य लोक आश्रम, उसकी महिला प्रधान शोभा अग्रवाल बोल रहे हैं। आश्रम तो बहुत भव्य बना हुआ है ही अपने आप में, शायद शहर के लोग काफ़ी देखने आए भी हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए अवश्य आएँ। मैं निवेदन करती हूँ, सबको बुलाती हूँ कि सभी लोग इसको देखने के लिए अवश्य आएँ और अपने सुझाव दें कि हम इसकी उन्नति के लिए और क्या कर सकते हैं। हमने इसी में सुधांशु जी की प्रेरणा से एक सृजन प्राइमरी स्कूल खोला हुआ है। इसमें हमारे बहुत ही गरीब असहाय बच्चे पढ़ते हैं, निर्धन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कि शिक्षा देने के लिए उनके पेरेंट्स संभव नहीं है, उनको पेरेंट्स शिक्षा नहीं दे पाते, इसीलिए हमने उसको खोला हुआ है। निःशुल्क हम इसमें शिक्षा देते हैं, बच्चों को दोपहर का नाश्ता भी देते हैं, कॉपी किताबें पेंसिल रबड़ और वस्त्र आदि सभी फ्री हम सेवा दे रहे हैं बच्चों को। इसमें हम सभी आप सबसे भी विनय करते हैं कि हमारा सहयोग कीजिए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। लगभग 60 बच्चे हमारे पास इस समय हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक इसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये तो रही सृजन प्राइमरी स्कूल की बात, गौशाला भी इसमें चलती है हमारी, 70 गायें हैं हमारे पास और गायों का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेवा होती है, आप आकर के देखिए इसे। 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी दिल्ली में भव्य आयोजन हो रहा है नववर्ष के अवसर पर। मैं आह्वान करती हूँ कि सभी लोग महाराज जी के पास अवश्य जाएं। 14 जनवरी संक्रांति के दिन मकर संक्रांति का प्रोग्राम भी किया जाएगा और नववर्ष का आह्वान मुरादाबाद में स्थानीय रूप से हम यहाँ पर करेंगे, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये और 17 तारीख को रविवार को 17 दिसंबर को पुष्पांजलि में सत्संग होगा, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। समय 2 से 4 समय 2 से 4 रहेगा, आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।